भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है। इस दौरान दोनों ने भारत और रूस के बीच रणनीतिक भागीदारी और आपसी संबंधों पर चर्चा की। रूस में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर बताया कि एनएसए डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। ट्वीट में कहा गया कि मुलाकात के दौरान अलग अलग द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने पर भी सहमति बनी है। भारतीय दूतावास ने जानकारी दी कि इस दौरान एनएसए ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और दाएश जैसे आतंकी संगठनों से निपटने के लिए इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी अलायंस पर जोर दिया। बता दें कि अजीत डोभाल दो दिनों की रूस यात्रा के लिए बुधवार को मॉस्को पहुंचे थे। यहां डोभाल अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषदों के सचिवों यानी एनएसए की पांचवी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान अफगानिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में डोभाल ने कहा, अफगानिस्तान एक कठिन दौर से गुजर रहा है और जरूरत के समय भारत अफगानिस्तान के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा। भारत ने संकट के समय 40,000 मैट्रिक टन गेहूं, 60 टन दवाइयां और 5 लाख कोविड टीके अफगानिस्तान भेजे हैं। अफगानिस्तान के लोगों की भलाई और मानवीय जरूरतें भारत की प्रायोरिटी है और नई दिल्ली जरूरत के वक्त अफगानिस्तान के लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। डोभाल ने इस इलाके में आतंकवाद के मुद्दे को भी उठाया और कहा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और दाएश जैसे आतंकी संगठनों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच गहन खुफिया और सुरक्षा सहयोग की जरूरत है। किसी भी देश को आतंकवाद और कट्टरपंथ फैलाने के लिए अफगान सरजमी का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाना चाहिए। अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल पहले अफगान लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। बता दें कि तालिबान ने पिछले साल 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम कर ली थी। अब तक किसी देश ने इस हुकूमत को मान्यता नहीं दी है। तालिबानी कब्जे के बाद देश के हालात बदतर हो गए, वहां आर्थिक और मानवाधिकार संकट बढ़ रहा है। ऐसे में कई देश अफगानिस्तान को लेकर चिंतित है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।